नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खानपुर के दल्लेवाला गांव में कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि 12 अगस्त को शिरकत करेंगे। कार्यक्रम संयोजक खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया है कि उनकी पत्नी और 3 बार की जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह के प्रस्ताव पर स्वीकृत दल्लेवाला कन्या महाविद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए सरकार ने उनके आग्रह पर 3.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करी है। उनके आग्रह पर ही सीएम धामी दल्लेवाला आ रहे हैं। चैंपियन ने दावा किया है कि सीएम धामी महाविद्यालय के शिलान्यास के अलावा क्षेत्र को भी करोड़ों की सौगात देकर जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर संवाददाता जसवीर सिंह ने विधायक चैंपियन से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। देश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल खानपुर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा लिया गया है। वजह यह है कि कन्या महाविद्यालय की आधारशिला यानी उसके भवन का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। हमारे साथ में चैंपियन साहब जुड़े बात करेंगे। विधायक जी, जिस तरह से अब नए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आपने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लिया है, क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या क्या उम्मीद हम लगाएं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि देवभूमि उत्तराखंड को एक नवयुवक, उच्च शिक्षित, विकास उन्मुख व्यक्ति मुख्य सेवक के रूप में मिला है। भाई पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने, सबसे हर्ष की बात है। और उसी को मद्देनज़र हमने आपको आमंत्रण दिया और धामी जी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले मेरी विधानसभा में प्रोग्राम हो रहा है, मैं आप सबको साधुवाद देना चाहूँगा। अवसर है सरस्वती माँ का। राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज मेरी धर्मपत्नी वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी जी ने 2014 में मुख्यमंत्री घोषणा में कराया था। 2015 में पठन पाठन कार्य भी प्रारंभ करा दिया था। 3.5 करोड़ रुपया उसका हमने राज्य सरकार से स्वीकृत कराया है, जिसका भवन का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री जी कल पधार रहे हैं। और क्या उम्मीद है क्षेत्रवासियों को, चूंकि आप विकास पुरुष कहलाए जाते हैं क्षेत्र में और अब तो सीएम साहब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात। देखिए, पिछले लगभग 3-4 महीनों में हमने 30 से 35 करोड़ रुपए के कार्य के शिलान्यास कर दिए विधानसभा क्षेत्र में। और कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत से विकास कार्यों की सौगात इस अत्यंत अति विस्तृत क्षेत्र में करके जा रहे हैं। खुलासा तो अभी नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा इसका, लेकिन क्षेत्रवासी बहुत उम्मीद कर सकते हैं और हम कल के लिए बहुत आशावान हैं। चलिए, तो आपने सुना विधायक चैंपियन ने स्थिति क्लियर कर दी है और साफ तौर पर भी कहा कि केवल कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में विकास की कुछ और सौगातें भी यानी कुछ और नई योजनाएं भी लागू हो सकती हैं, यानी उनसे उम्मीद है और ये उम्मीद क्षेत्रवासियों को भी बनी हुई है। वजह यह है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया जाता रहा है। अब कल किस तरह की घोषणाएं होंगी ये देखने वाली बात है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल कर हैट्रिक लगाकर देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी वंदना कटारिया आज अपनी कर्मस्थली रोशनाबाद पहुंची है, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए गए भव्य सम्मान समारोह में SSP हरिद्वार सहित कई अधिकारियों ने वंदना कटारिया को शॉल भेंट करके सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी हरिद्वार पहुंचकर वंदना कटारिया से मुलाकात करी है और उनका सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि वंदना कटारिया ने दुनिया में देश का नाम ही नहीं बल्कि हरिद्वार का नाम भी रोशन किया है। हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना, जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी। और निश्चित रूप से वंदना ने पूरे दुनिया में जहां भारत के नाम को रोशन किया, वहीं हरिद्वार के नाम को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके लिए वंदना कटारिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसे वेलकम कर रहे हैं। हाँ, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को और सर को, सीएम सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और मेरे गांव के सभी मतलब भाइयों ने सबने मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
किसान नेता राकेश टिकैत देहरादून पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड में मजबूत भू कानून का समर्थन किया, साथ ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में टूरिज्म पॉलिसी लागू करने की सरकार से मांग करी है। राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर भी एक बार फिर सरकार को जमकर घेरा। इन्हीं मुद्दे को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता विशाल गर्ग ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की, सुनिए। सर, आज आप देहरादून में हैं, यहाँ के किसानों से किस तरह का आग्रह कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ के किसानों को कहना चाहेंगे आप? देखो, यहाँ के किसानों को ये है कि काम करो, सो मत, जागो, या तो खेत में काम करो या आंदोलन में करो या घर भरो। आंदोलन करना पड़ेगा। पहाड़ का किसान जवान पूरे देश में सीमाओं की रक्षा करता है, उसी तरह से किसान की भी रक्षा करनी पड़ेगी आंदोलनों की। आंदोलन करना पड़ेगा, देश की किसानी को बचाना है, जमीन, फसल और नस्ल बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। सर, जिस तरह से किसान निधि सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए दे रहे हैं, उस योजना को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उसमें कहना चाहते हैं? हमें फसलों का भाव दे दो भाई, हमारा हिसाब किताब कर दो, हमें बका होना कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया, फिर हटा लिया, फिर दे दिया, अरे शुद्ध ऑक्सीजन ही दे दो, हमको ठीक कर दो, सिलेंडर पुनः बांध दो। 2,000 रुपए चांदी के दे रहे क्या? मतलब मूंग में 2,500 रुपए क्विंटल MSP से सस्ती मूंग खरीद के और 2,000 रुपए किसान को दे रहे। उसने 20 क्विंटल मूंग बेची, 2,500 रुपए सस्ती बेचती, उसका हो गया 60,000 रुपया, 50,000 रुपए, और उसको 2,500 रुपए 2,000 रुपए आपने दे दिए, साल भर में 6,000 दे दिए, तो 44,000 का नुकसान उसका सीधा है। सर, उत्तराखंड के किसानों की किस तरह से मांगे, क्योंकि आपसे भी मुलाकात? ये है कि टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर बढ़ जाए तो कुछ उनका हो जाएगा। जंगली जानवर बड़ा नुकसान करते हैं, और जो मंडी है, मंडी दूर दूर है उनका, जैसे हमारे अध्यक्ष यहाँ पे हैं, हमारे इन्होंने बताया तोमर साहब ने कि मंडियों तक जब किसान माल लेकर आता है तो जो किराया लगता है, माल कम का बिकता है, किराया ज्यादा हो जाता है, ये हालात है। धन्यवाद सर, न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। तो टिकैत जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे, अपने सहयोगी रिंकू के साथ। विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। किसान नेता राकेश टिकैत विकास नगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रिबन काटकर किसान कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों से किसान पहुंचेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। वहीं पर उत्तराखंड में होने वाले साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है जो अपने 4.5 साल के कार्यकाल में विफल साबित हुई है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है और उसकी फसल का सही मूल्य नहीं दे पा रही है। किसानों की समस्या है, ये विधानसभा वाइज थोड़ा बोला है, तो क्षेत्र में गाँव वाइज खुल जाते हैं, गाँव में भी खुल जा, ये सड़क पे यहाँ पे खुल जाए, तो किसानों की समस्याओं के लिए है, ये पॉलिटिकल कार्य थोड़ा है। ठीक है जी, अभी आपका वो लखनऊ का प्रकरण चल रहा है, आपने कहा कि लखनऊ को दिल्ली की तर्ज पर बनाया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? ये अगर कहीं का प्रमोशन करने की बात हमने कर दी तो वो गलत है क्या? किसको प्रमोशन नहीं चाहता? तो लखनऊ का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट की समस्या है तो स्टेट सरकार ही करती है, जैसे उत्तराखंड की समस्या होगी तो उत्तराखंड की सरकार उसको उस समस्या का समाधान करेगी, जो यहाँ की पॉलिसी होगी, यहाँ के किसानों की समस्या होगी, मजदूरों की होगी, दुकानदार की होगी, वो भारत सरकार नहीं करेगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के रिटायर कर्मचारियों से सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जबरन उनकी पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हर महीने पैसा वसूलने के खिलाफ में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य से पूछा है कि वो इसे जारी रखना चाहेंगे या बंद करेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। संपत सिंह बिष्ट, जो कि एक रिटायर्ड पेंशनर है, उनके द्वारा जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उसमें दो स्पष्ट मांगे रखी गई हैं। पहला, जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो अनिवार्य रूप से सारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से कटौती करती है, तो अनिवार्य कटौती को बंद करा जाना चाहिए। और दूसरा, कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की OPD व्यवस्थाएं और डायग्नोस्टिक व्यवस्थाएं, रेडियोलॉजी व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के मामले में अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी तुच्छ हैं।
इन दोनों प्रकरणों पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर सुनवाई करी है और राज्य सरकार को स्पष्ट कहा है कि अनिवार्य कटौती किसी की पेंशन से नहीं हो सकती और राज्य सरकार को सोमवार तक का समय दिया है कि वो माननीय उच्च न्यायालय को बताएं कि क्या वह अब भी अनिवार्य कटौती आगे रखना चाहेंगे या अपना पेंशन से अनिवार्य कटौती की निर्णय। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजा जी नेशनल पार्क क्षेत्र में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे में फास्ट ट्रैक बनाने में कटने वाले 2500 साल के पेड़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी। इस दौरान कोर्ट ने राज्य और केंद्र राज्य के साथ में केंद्र सरकार के साथ में याचिकाओं से यहां पर 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने के लिए कहा है। आपको ये भी बता दें कि देहरादून निवासी रेणुपाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की दूरी को कम करने के लिए राज्य सरकार राजा जी नेशनल पार्क क्षेत्र में लगभग 2500 साल के पेड़ों को काटने की योजना बना रही है। कुछ किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए 2500 पेड़ों को काटना उचित नहीं है। पेड़ों का कटान पूरी दून घाटी के पर्यावरण क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित होगा। शिवालिक फॉरेस्ट रेंज के इलाके से होके दिल्ली गणेशपुर देहरादून हाईवे बन रहा है तो उसमें 2500 पेड़ लगभग साल के काटे जा रहे हैं। उस मामले में पीआईएल दायर हुई है जिसमें अनेक जो पक्ष आ रहे हैं उनसे जवाब मांगा गया था। भारत सरकार से भी आज इसमें जवाब मांगा गया है। उन्हें 25 अगस्त तक अपना जवाब हर हाल में दाखिल करना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने के दौरान आई आपदा में मृतकों और घायलों को अब तक मुआवजा न मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी। यहां पर राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है उन लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करें। वही मामले की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की गई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि अल्मोड़ा निवासी राज्य आंदोलनकारी पीसी तिवारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि उत्तराखंड में चमोली में रानी गांव में फरवरी महीने में ग्लेशियर फटने जैसी आपदा सामने आई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए हैं और राज्य सरकार की ओर से अब तक किसी को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। परिवारों के लिए जो जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया कि हमें बताइए कितने लोगों को आपने दे दिया है और उसके अलावा जब तक आप उनको मुआवजा सारे परिवारों को नहीं दे पा रहे हैं आप उनके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करिए, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट करिए और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करिए। इसके अलावा ये जो PIR है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से डील करती है, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस से डील करती है और कोई भी अलार्म सिस्टम होना चाहिए इन सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। तो उन सब के लिए जो कमिटीज़ बनी हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो उन कमिटीज़ की रिपोर्ट भी आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कोर्ट में अपने पास कॉल कर ली है और 8 तारीख को अगली तारीख रखी है। पहले विज्ञापन के लिए धरना और अब नियुक्ति के लिए धरना दे रहे नाइट DLN संघ के लोग एक तरफ जहां पर सरकार से 22,000 पदों पर विज्ञप्ति निकालकर रोजगार देने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ पहले से ही प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी 5 बार अपनी नियुक्ति के लिए धरना दे चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी DLN संघ प्राथमिकी अध्यापक की भर्ती में बीते 2 महीने के अंदर 10 बार शिक्षा मंत्री से अपनी नियुक्ति की गहार यहाँ पर लगा चुके हैं। भर्ती का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। अध्यापक के लिए निकाली गई भर्ती के बाद हमने 2 साल लगातार प्रशिक्षण किया और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमसे कहा कि तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी हम लेते हैं क्योंकि हम 70,000 बच्चों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए। उसके बाद से लगातार 5 बार हम शिक्षा निदेशालय में धरना दे चुके हैं और हर बार हमें आश्वासन देकर उठा दिया जाता है। विगत 2 माह से 7 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 12 बार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारी नियुक्ति शीघ्र होने वाली है। हल्द्वानी के पुलिस बहुउद्देश्यीय भवन में नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई है जहां बैठक में आपराधिक केसों की पेंडिंग और आपराधिक मामलों में हुई लापरवाही को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो वहीं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी का कहना है कि कोतवाली में रुकी आपराधिक मामलों की फाइलों के निपटारे को लेकर अधिकारियों को जल्द ही जाँच के आदेश दिए गए हैं। बात का
आज इन्वेस्टिगेशंस का ओआर कर रहे हैं कोतवाली हल्द्वानी का, और अभी हम लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे एसपी सिटी और जो सीओ हैं उन्होंने लगातार इसमें ओआर करके पेंडेंसी काफ़ी कम है, और मेरे द्वारा इसमें जो सीरियस क्राइम्स हैं उनकी भी रिव्यू की जा रही है, आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं, जहाँ कहीं पर लापरवाही इसमें मालूम हुई है तो उसमें हमने जाँच भी खोली है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज हमने दो लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया है, हमारे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड हैं जिन्होंने गश्त के दौरान बहुत अच्छी ड्यूटी करते हुए एक घटना को रोकने से को होने से रोका। बेरीनाग में स्वास्थ्य विभाग ने महाविद्यालय, प्राथमिकी विद्यालय और महिला चिकित्सालय में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर में पहले दिन हजारों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। प्रभारी चिकित्सालय डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि दो दिन के महा वैक्सीनेशन शिविर यहां पर लगेगा, जिसमें 18 प्लस से अधिक उम्र के लोगों को पहली और दूसरी डोज यहां पर लगाई जा रही है। 16 मोबाइल टीमें गाँव गाँव जाकर लगातार वैक्सीन लगा रही है। ग्यारह और 12 अगस्त को मेगा कैंप लगाया गया है, जिसके सेंटर्स हमने सीएससी बेरीनाग में फीमेल हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बेरीनाग को बनाया है। इसके अलावा 16 मोबाइल टीमें जगह जगह पर जाकर गांव-गांव डोर टू डोर नॉकिंग करके लोगों से पता करके कि फर्स्ट और सेकेंड डोज जिन जिन की बची है सबको लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौड़मन्या में भी हमारा जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे आज 19 सेंटर लगातार काम कर रहे। लक्सर तहसील के सिकंदपुर गांव के लोगों ने गांव में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण में धांधली के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ठेकेदार मनमानी कर रहा है, इंटरलॉकिंग टाइल्स भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सड़क बनने के साथ ही टूटनी भी शुरू हो गई। वहीं पर ग्रामीणों ने एसडीएम से पूरे मामले की शिकायत करी है और उचित कार्यवाही ना होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। तब भी ना कहा कि भाई आप खोड़े की रेत लगा रहे हो, इसमें पीछे आपने तैयार करा, वो बारिश हुई वो सारा सारा रेत बहकर खेत में चला गया। इंटर सारी ना केवल अलग अलग पड़ी है, अलग अलग एक गेट को उठा लो आज तो साहब। अगर ये प्रशासन का पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा तो इसका सदुपयोग हो। रामनगर में पुष्कर होबी क्लासेस की चेयरपर्सन पूनम गुप्ता के तत्वाधान में तीज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, हरियाली तीज का त्यौहार हर साल श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। ये व्रत अत्यंत पावन और फलदायी व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। जाता है सावन के महीने में हरियाली, और इसमें शिव और गौरा का मिलन होता है आज के दिन, और झूला झूलते हैं सभी। यह सुहागनों के लिए मेन, यह सुहागनों के लिए यह व्रत किया जाता है, और हम भी आज पहली बार इसे पूनम मैडम के उसमें मना रहे हैं। इनकी वजह से हमें यह बहुत अच्छा लग रहा है। सावन के महीने पे जैसे हरियाली तीज होती है, वैसे हमारे यहाँ तीजो मनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। ये सभी महिलाएं जो हैं मेरी स्टूडेंट भी हैं और मेरी सहयोगी भी हैं, जो मुझे हर कार्यक्रम में पूरा सपोर्ट करती हैं। आज इनके लिए हमने एक अपनी एकेडमी में एक प्रोग्राम इसलिए रखा है क्योंकि ये किसी भी कीटी या क्लब से जुड़े हुए नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से ये सब अपना एक अपना क्षेत्र बना सके, अपना रंगमंच अपने आप को इस माध्यम से दे सकें। आजकल ये सावन का महीना जो शिव पार्वती का जोड़े के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है, उसी चीज़ को रखते हुए आज हमें ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने हरे रंग की साड़ी पहनी है। राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित करके की, जिसके बाद में कलाकारों ने गढ़वाली
कुमाऊनी, नेपाली और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करे। साथ ही महिलाओं ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यहां पर महिलाओं को उपहार भी भेंट करे। विकासनगर बाजार में कपड़े की दुकान में देर रात को अचानक से भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पौड़ी में नगरपालिका शासन की ओर से आम जनता को गुमराह करके वाहन पार्किंग के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल शहर में वाहन पार्किंग के नाम पर पहले तो शासन से बजट स्वीकृत करवाया जा रहा है, फिर बजट रिलीज होते ही पार्किंग का निर्माण पूरा होते ही शहर की वाहन पार्किंग को पालिका अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर बेच देती है, जहाँ पर वाहन पार्किंग की समस्या से जनता अब काफ़ी परेशान है और शहर में हर बार ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं। वहाँ हाल ये बन गया है कि पार्किंग स्थल पर रेस्टोरेंट का संचालन सरेआम हो रहा है, जो नगर पालिका के काले कारनामों को सबके सामने उजागर कर रहा है। देखिए, अब जहां तक मैं बोलती हूं कि पार्किंग थी तो उन लोगों का भी तो फर्ज बनता है जो लोग वहां पर गाड़ी खड़ी करने के लिए उस जगह का सदुपयोग कर रहे थे। अगर पार्किंग बन रही थी तो उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि वे उस चीज के लिए आवाज उठाएं, लेकिन अगर पब्लिक कुछ बोलेगी ही नहीं तो फिर जो भी शहर में होगा पब्लिक को चुपचाप सहना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने को लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में वो एक के बाद एक तमाम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी दुरुस्त क्षेत्रों में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अभियान पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 30 सितंबर तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लगवाकर ही दम लेंगे। तीसरी लहर को देखते हुए पहले से ही हम सबको स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी यहां पर करनी होगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों से यह भी अपील करी है कि वो मास्क अभी भी जरूर लगाएं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखें। पहला टारगेट यह है कि 30 दिसंबर तक 100% लोगों पे वैक्सीनेशन हो जाए और आज जितने घुमंतू लोग यहां पे हैं, जो कि मलिन बस्तियों में रहते हैं, जिनके बेघर लोग हैं, आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सब पे टीकाकरण कराया गया और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों पे टीकाकरण हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।